काले धन पर पीएम मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी देश की जनता से रूबरू हुए। गोवा के बाद पीएम मोदी ने पुणे में जनता को संबोधित किया। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले पर विरोधी नेताओं के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पलटवार किया। प्रधानमंत्री बेलगाम में कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी के एक समारोह में बोल रहे थे। यहां मोदी ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए चवन्नी बंद करने पर कांग्रेस की चुटकी भी ली। मोदी ने कांग्रेस को असलियत का आईना दिखाते हुए कांग्रेस के पुराने दिन याद कराए। मैं हैरान हूं, हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपने 1000 की नोट बंद क्यों कर दी, 500 की नोट बंद क्यों कर दी। भाई आपने जब चवन्नी बंद की थी मैंने पूछा था, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने चवन्नी बंद की थी, कांग्रेस पार्टी ने एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। इस देश ने तो कोई चिल्लाहट नहीं की, ठीक है आपकी ताकत उतनी थी। बंद करने में तो आप भी सहमत थे, लेकिन बड़ी नोट बंद करने की आपकी ताकत नहीं थी, चमन्नी से गाड़ी चलाने की। और जो लोग आज मुझे सवाल पूछते हैं कि मोदी ने 1000 की नोट का जादू किया, भाइयों बहनों, जो लोग मेरे भाषण सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, ये बात मैं पहली बार नहीं बोला हूं। 5 साल पहले सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है, चवन्नी बंद कर रही है, मेरा चले तो मैं 1000 के नोट बंद। आपको बता दे कि 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद से विपक्ष मोदी पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने जवाबों से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।